आज मैं आपको बनाना सिखा रही बहुत ही मजेदार किस्म के व्हाइट पास्ता। चलिए आए शुरू करती हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी जल्दी से बन तैयार होने वाला। चलिए आए बनाते हैं कैसे बनता है। अस्सलामुअलैकुम, अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म का वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। आज मैं आप लोगों की फरमाइश पे भी और अपने बच्चों की फरमाइश पे भी मैंने सोचा आज मैं वाइट सॉस पास्ता बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए किन अज़ा की ज़रूरत है। एक पैकेट मैंने ये वाइट सॉस पास्ता के लिए ले लिया। ये पास्ता इस तरह का लिया है मैंने, इस तरह का पास्ता लिया। आप चाहें तो कोई सा भी पास्ता आपको मिले आप किसी भी शेप का बना सकते हैं। एक कप हमने दूध का ले लिया है। दो अदद गाजरें लिए हैं, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। दो अदद शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। हाफ के जी के करीब मैंने चिकन बोनलेस लिया है, इसके भी मैंने चकोर चकोर से पीस काट लिए। जिस तरह मैंने शिमला मिर्च काटी है, गाजर काटी है, उसी तरह ही मैंने चिकन को काट लिया है। मायनीज ले लिए है 4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च लिए है, थोड़ी सी मैंने लिए है टेस्ट के लिए। 2 टीस्पून मैंने लिए मैदा, 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली सॉस और पास्ता लिया। पास्ता को सबसे पहले हम उबाल लेंगे। एक पतीली के अंदर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिए हैं। पानी के अंदर मैंने डालना है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और इसको पकने देंगे। जैसे ही पानी पकने लगेगा इसमें हम डाल देंगे पास्ता। पानी पकना शुरू हो गया है, इसमें जाएगा 1 टीस्पून ऑयल, डालेंगे पास्ता। पास्ता को मैं बॉईल कर लेती हूँ। मेरे चैनल पे जो मेरे बहन भाई मेरे फ्रेंड्स नए हैं जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मज़े मज़े वाली डिशें सबसे पहले आपके पास आएँ। बहुत शुक्रिया। देखिए पास्ता जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। अब हम इसको टोकरी में डाल के इसका पानी ज़ाया कर देंगे और एक पास्ता को एक टोकरी में निकाल लेते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने ऑयल डाल दी है और इसके अंदर जाएगा लहसुन का पेस्ट, बहुत ही मज़ेदार पास्ता तैयार हो रहा है। लहसुन की बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। अब इसके अंदर चला जाएगा चिकन। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, इसके अंदर चल जाएंगे कटी हुई गाजरें। इसके अंदर चला जाएगा सोया सॉस, मिक्स करेंगे। इसके अंदर चली जाएंगी शिमला मिर्च क्यूब्स में बनी हुई, मिक्स करेंगे। इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा दूध मैदे के अंदर और मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, दूध हमने इसमें डाल दिया मैदे में, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए शिमला मिर्च गाजर और चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है सोया सॉस के साथ और लहसुन के साथ। अब इसके अंदर जाएगा चिली सॉस, काली मिर्च पीसी हुई हाफ चली जाएगी, मिक्स चला जाएगा। बिस्मिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। मैदा जो हमने दूध के अंदर मिक्स करके रखा हुआ है वो अब इसमें जाएगा। फ्लेम को बिल्कुल हम स्लो कर देंगे। सॉस डालते रहेंगे, मैदा हम आस्ता आस्ता डालते रहेंगे मिल्क वाला और मिक्स करते रहेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम की हुई है मैंने, ये हमने मिक्स कर लिया, सारा डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने डालना है पास्ता जो हमने बॉईल करके रखा हुआ है, इसको हम डालेंगे।
इसके बाद मैंने डालनी है मायनीस, मायनीस भी चली जाएगी इसके साथ ही। बिस्मिल्लाह, अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। क्रीमी वाइट पास्ता हमारा बहुत ही टेस्टी और यमी तैयार है। ये देखिए, मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। इसमें मैंने दो बड़ी बड़ी साबुत लाल मिर्चें ली थी, वो मैंने इसको हाथ के साथ ही इसको कर दिया, वो भी डाल दी। मिक्स करेंगे, अब इसको हम डिश आउट करते हैं। देखिए, मज़ेदार किस्म का वाइट पास्ता हमारा क्रीमी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम।